सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आयुर्वेदिक हर्ब को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको आयुर्वेदिक टिप्स सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। तो जितना खतरनाक हाई ब्लड प्रेशर होता है, उतना ही खतरनाक लो ब्लड प्रेशर भी होता है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हम पैदल चलना, व्यायाम करना, सही भोजन नहीं करना जैसे अनेक प्रकार की अच्छी आदतें या तो हम भूल जाते हैं या तो टाइम न मिलने की वजह से इसको हम नहीं कर पाते हैं, इससे हम रह जाते। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के लक्षण के बारे में क्या क्या हो। तो लो ब्लड प्रेशर के अंदर आदमी को चक्कर आते हैं, पसीना आता है, आंखों के सामने अंधेरा जैसा महसूस होता है, हाथ पैर ठंडा होता है और कभी कभी ज्यादा प्रेशर लो होने पर आदमी बेहोश भी हो जाता है। तो यह है लो ब्लड प्रेशर के लक्षण। तो आइए हम बताते हैं इसके उपचार के बारे में, सावधानियों के बारे में। अगर उपरोक्त यह लक्षण दिखे तो आप सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, हो सकता है कि आपको लो ब्लड प्रेशर भी हो। अगर लो ब्लड प्रेशर है, आपको कभी भी आपको चलते फिरते आपका बीपी लो हो जाता है, तो एक जगह बैठ जाएं और अपने हाथों की मुट्ठियों को खाली दबाएं और बंद करें, छोड़ें, दबाएं, बंद करें, छोड़ें। और अगर आपके आसपास तकिया या घर में है कुछ और वस्तुएं हैं तो अपने पैरों के नीचे लगा करके लेट जाएं, पैर ऊपर होना। तो हम बताते हैं लो ब्लड प्रेशर के आयुर्वेदिक उपचार। तो दोस्तों, तो इसका उपचार है, एक गिलास पानी में 10 तुलसी के पत्ते, 4 काली मिर्च, 2 लौंग डालकर अच्छी तरह उबाले। पानी आधा रहने पर इसे हल्का गर्म ही पीना चाहिए। प्रक्रिया प्रतिदिन एक बार करें, आपका लो ब्लड प्रेशर में काफी फायदा होगा। दूसरा है, एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें किशमिश को रात भर के लिए भिगो के रख दें। सुबह भीगी हुई किशमिश को चबाकर खाएं, इससे भी लो ब्लड प्रेशर में काफ़ी आराम मिलता है। यह तीसरा है, एक चम्मच शहद में ½ 1/4 छोटा चम्मच लहसुन का रस मिलाएं, इसे प्रतिदिन 2 बार खाना चाहिए, इसमें भी लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चौथा है, रात को बादाम भिगो कर रख दें और सुबह इसके छिलके उतार कर पीस लें। अब इसे दूध के साथ उबालें और दूध को गुनगुना ही पिएं, इससे भी आपको लो ब्लड प्रेशर में काफ़ी आराम मिलता है। और कुछ सावधानियां हैं, फल सब्जी और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें, हरी सब्जी का सूप बनाकर पिएं, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, सलाद आदि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पानी अधिक पीना चाहिए, प्रतिदिन चुकंदर का रस भी पिएं, इससे भी आपको लो ब्लड प्रेशर में काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हम अपने चैनल आयुर्वेद हर्ब में कुछ और रोग के निदान के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। नमस्कार।